हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज देखिएगा, एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर मैं आप आई हूँ। और ये मेरे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर की फरमाइश थी कि हमें ये स्टार्टिंग से बताएं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ पत्तियाँ बनाने के बाद इस डोरमेट को आपको बताया था, लेकिन चलिए आज हम इसको स्टार्टिंग से ही सीखेंगे। ये मैंने टोटल 22 फंदों पर, यानी कि 22 फंदों पर बनाया था, और आज हम इसको इससे छोटा बनाएंगे, 18 फंदों पर बनाएंगे। फंदे हमें यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया था कि 4 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 2 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप बड़ा बनाएंगे तब भी आपको इसी तरह से फंदों का हिसाब रखना है, आप इससे छोटा बनाते हैं तब भी आपको फंदों का यही हिसाब रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर लिए हैं, वो देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने आसमानी कलर लिया है, यानी कि लाइट ब्लू है, और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया है। तो चलिए हम इसके साथ बनाएंगे। और यहाँ पर 9 नंबर की नीडल भी है, बहुत ही प्यारा सा और आसान सा डोरमेट है। इसको मैंने देखिएगा यहाँ पर टोटल, देखिएगा 10 पत्तियों पर कंप्लीट किया है। आप चाहें तो जितनी चाहे इसमें पत्तियां बना सकते हैं, यानी कि आप इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, यहाँ से आपका होल ज्यादा आएगा। आप इसको 12 पत्ती पर भी बना सकते हैं, सेंटर में आप फ्लावर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको देखिएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी। इसमें मैंने आपको फंदे और तरीके से बताए थे, यहाँ पर मैं फंदे आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लैक कलर से फंदे डालेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने से हमारा यहाँ पर एक फंदा बन जाएगा, ये देखिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिएगा फंदे डालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 फंदे हम यहाँ पर देखिएगा इस तरह से डाल देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहाँ से पूरी सिलाई बिल्कुल सिंपल बनानी है, ये देखिएगा इस तरह से करते हुए, देखिएगा पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाएंगे सिंपल तरीके से। पहली सिलाई जब हम इस तरह के फंदे डालते हैं तो बहुत ध्यान से हमें बनानी होती है, देखिएगा। ये राइट साइड है, यानी कि सीधी तरफ से हमने यहाँ पर ये सिलाई बना ली। अब आ गए हैं देखिएगा उल्टी सिलाई में। अब हम यहाँ पर देखिएगा कलर को चेंज करेंगे, ये जो हमने सेकंड कलर लिया है इसको लगाएंगे, ये देखिएगा। और यहाँ से अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे इसमें, ये देखिएगा एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ से अब हम पूरी सिलाई इसी कलर के साथ बनाएंगे, देखिएगा यहाँ से ये धागे भी इसी में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से हमने एक फंदा बढ़ा लिया, और लास्ट में देखिएगा 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए यहां से बाकी के फंदे हम ऐसे ही सिंपल सारे बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिएगा इस तरह से, लास्ट के फंदे को भी यहां पर उल्टा ही बनाएंगे, ये देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे, यानी कि ब्लैक कलर लगाएंगे और फंदा भी बढ़ाएंगे। यहाँ से फंदा बढ़ाते हुए फिर से देखिएगा हम यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा डोरमेट है, आप बिगेनर्स हैं तब भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये देखिएगा यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड में फिर से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदे ऐसे ही सिंपल उल्टे बना लेंगे, देखिएगा।
आ जाते हैं, देखिएगा उल्टी सिलाई में, उल्टी सिलाई में फिर से देखिए यहाँ पर कलर को चेंज कर देंगे। और ये देखिएगा जो हमने लाइट कलर लिया था, फंदा बढ़ाते हुए इसके साथ फंदे बनाएंगे। और लास्ट में फिर से दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें हर बार स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। तो यहाँ से सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, बस जो फंदे जैसे कलर के नजर आएंगे ऐसे कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा फिर से देखिएगा यहाँ से ब्लैक कलर लगाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा बढ़ाते हुए ये देखिएगा यहाँ से फिर से लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को बिल्कुल सिंपल बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा फिर से कलर को चेंज करेंगे और यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। फंदा आप अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसमें ऐसे ही फंदा बढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो एक फंदे के बाद फंदा बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो, बस आपको स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ से देखिएगा फिर से दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे और सीधी सिलाई को सिंपल बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई, कलर को चेंज करते हुए फंदा बढ़ाएंगे। और यहाँ से लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को सिंपल बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा अब फिर से यहाँ पर कलर को चेंज करेंगे और यहाँ से फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पर कलर को चेंज करते हुए ब्लैक कलर को लगाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे और यहाँ से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा यहाँ से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई जैसे बना रहे थे सिंपल ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, कलर को चेंज करेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से सिंपल बनाते हुए लास्ट में दो फंदे फिर से बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को जैसे बना रहे थे ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, हमने यहाँ पर देखिएगा 18 फंदे डाले थे, 18 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। और देखिएगा ये हमारे 3, 6, 9 फंदे बड़े हुए हैं, यानी कि 18 फंदे हमें छोड़ने हैं जो हमने फंदे स्टार्टिंग में 18 फंदे डाले थे और ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं 9। तो आप देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हमें इन्हें 9 फंदों को बंद करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन हमारी पर्लवाइज आई हैं। अब यहाँ से हम देखिएगा ब्लैक कलर के साथ इन्हें फंदों को बंद करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ब्लैक कलर के साथ बंद करना है फंदों को, ये देखिएगा। और साथ में ये वाला धागा भी हमें यहाँ से लेकर जाना है, ये देखिएगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस धागे को लेकर जाएंगे, ये देखिए यहाँ से। और आपको यहाँ से जो हमने ये 9 फंदे बढ़ाए थे आपको 9 ही फंदे घटाने हैं, ध्यान रखना है आपको। देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो यहाँ से आपको 9 ही फंदे घटाने हैं, ये देखिएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ से देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे हमारे रह गए हैं, ये 9 फंदे हमने यहाँ से घटा दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसे धागे को इधर क्रॉस कर लेंगे और सारे फंदे हम यहाँ पर अब ब्लैक कलर से बना लेंगे।
यानी कि जितने भी फंदे हमने यहाँ पर छोड़े थे ये सारे फंदे हमें ब्लैक से बनाने हैं। ये देखिएगा, पूरी सिलाई को हम ब्लैक के साथ ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, अब सीधी सिलाई हमारी ऐसे आएगी, लेकिन यहाँ पर एक पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये हमारी वही रो है, तो यहाँ से देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए बाकी के फंदों को हम देखिएगा ऐसे ही सिंपल उल्टा बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से हमारी नेक्स्ट पत्ती यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें कलर को चेंज करना है और यहाँ से फंदा भी बढ़ाना है। ये देखिएगा, यानी नेक्स्ट पत्ती के लिए हम यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में अब हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं, यानी कि हर बार आप स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट में दो फंदे हमें बगैर बुने छोड़ने हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, तो यहां से इस तरह से हमारी नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट होगी। अब हर बार इसी तरह से दो दो सिलाइयों के बाद कलर को चेंज करेंगे और यहाँ फंदा बढ़ाएंगे और दो दो फंदे यहाँ पर छोड़ेंगे। जब हमारे जो हमने फंदे डाले थे 18 फंदे छूट जाएंगे और 9 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, तब हम फंदों को यहाँ से बंद कर देंगे और इस तरह से हमारी ये पत्ती कंप्लीट होगी। तो बहुत ही आसान सा ये हमारा डोरमेट का डिजाइन है, आप भी इसको इजीली बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा डोरमेट का डिजाइन? अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको कोई भी इस तरह कोई भी मैं डोरमेट आपको सिखाती हूँ, आप उसमें बड़ा बनवाना चाहते हैं, छोटा बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर क्या करें, मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करती हूँ। भले ही उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट मुझे याद रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।